मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। चंद्रशेखर आजाद क्लब दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह के नेतृत्व रामनवमी के अवसर पर आयोजित राम उत्सव में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आरसू के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को आमंत्रित किया है। रमेश सिंह ने कहा है कि 500 वर्षों के बाद इस वर्ष 22 जनवरी को भगवान रामलला का भव्य मंदिर बना है और इसके उपलक्ष में राजधानी रांची में आयोजित रामनवमी ऐतिहासिक होने वाली है। हाँ जी, हाँ तो हम भी है उसमें बगल में भाई साहब नारायण ना, दे दिया सबका वही तो कह रहे हैं तो जयलाल पे मंच लगाए तो बयान दिए हैं सर, चल रहा है तो हाँ प्यालाल चौक अलबट्टे का चौक पर जो हमारा है चंद्रशेखर आजाद दुर्गा से हर 32 बार में भव्य राम दरबार का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ 16 फीट की प्रभु राम की प्रतिमा लगाई जा रही है, हम जी की 16 फीट की प्रतिमा, एक छोटे हनुमान जी बैठे हुए हैं और दिल्ली और हरिद्वार के कलाकारों के द्वारा राम दरबार को नाट्य मंचन के द्वारा सुशोभित किया जाएगा। बजरंग बली का 3 पार रूप मंगाया गया है जो कि बेहद ही आकर्षक अलौकिक झांकी होगा। हम आपके माध्यम से शहरवासियों कहेंगे कि आप रामनवमी के दिन आए, हमारे मंच पे आए, वहाँ पूजा समिति के पास आए और भव्य राम दरबार में राम जी की जीवनी को देखें और रामनवमी के दिन जैसे 500 वर्षों के बाद प्रभु राम मंदिर लौटे अयोध्या में, उसके बाद ये पहली रामनवमी है, इसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भव्य मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह हम लोगों ने शहर में रामोत्सव कार्यक्रम किया जो कि झारखंड नहीं देश में भी चर्चित हुआ, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि पहली रामनवमी भी पूरे हिंदू सनातन को एक मिसाल कायम करने वाला रामनवमी इस बार हम लोग मनाए। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।